नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल आरजे टेक्निकल्स पे। यहां पर आपको टेक और टेक से जुड़ी सभी संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और मैं जब भी नए वीडियो डालूंगा उनके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। जियो मेरे लाल, जियो मेरे जवान, जियो मेरे जियो सिम। जियो सिम का क्राइस धमाका आपने तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, जियो सिम अब जियो सिम और एक धमाकेदार एंट्री लेने वाला है। जियो सिम ने एक ऐसी ऐप बनाई है जिसके तहत 3G स्मार्टफोन भी 4G सिम को एक्सेप्ट कर पाएगा। अब जियो ये कैसे करेगा ये तो हमें पता नहीं, पर हाँ दोस्तों, जियो ने एक ऐसा ऐप भी लॉन्च किया था जिसके तहत वो VoLTE जिस फोन में सपोर्टेड नहीं है उन फोन में भी जियो के द्वारा कॉल किया जा रहा है। तो हो सकता है जियो ये चमत्कार कर दे, जिससे तो आप ही लोगों को फायदा होगा और जियो को भी फायदा होगा। और एक न्यूज दोस्तों, जियो ने अपना एक नया फोन लॉन्च किया है, LifeWind 7S। इसकी कीमत करीब 5,699 रुपए है। और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 1.13 GHz Snapdragon 210 क्वाड कोर प्रोसेसर और 2GB रैम से लैस होगा। इसमें 16GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है जिसे माइक्रो SD कार्ड के द्वारा बढ़ाया जा सकेगा और 6.0 मार्शमेलो पर काम करता है। इसमें 2250 mAh की बैटरी दी गई है, 4G पर 9 घंटे का टॉक टाइम देगा। फोटोग्राफी में के लिए इसके लिए 8MP कैमरा दिया हुआ है और 5MP फ्रंट कैमरा और 4G VoLTE सपोर्टेड है, ब्लूटूथ 4.0 दिया गया है वगैरह वगैरह। तो जिसको जियो का लाइव फोन पसंद है वो ले सकते हैं इन फोन को इस कीमत पे। ठीक है, पर अच्छा नहीं। और एक दोस्तों न्यूज, LG ने K सीरीज के 4 मॉडल अनाउंस किए हैं जो जल्द ही मार्केट में आने वाले हैं। तो मॉडल कुछ इस प्रकार है, K3, K4, K8 और K10। अब LG क्या के कर रहा है LG ही जाने। और दोस्तों, गूगल ने भारत में 100 से ज्यादा रेलवे पर शुरू किया अपना वाईफाई सर्विस और गूगल कहता है कि इसे वो 400 स्टेशन पर वाईफाई की सर्विस उपलब्ध कराएगा इन फ्यूचर। तो अच्छा है दोस्तों, रेलवे में आप स्टेशन पे बैठे बैठे, वैसे भी आजकल ट्रेनें बहुत लेट आ रही हैं, 8 घंटा 9 घंटा, तो आप बैठे बैठे बोर नहीं होंगे। Xiaomi Mi S, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लीक है जाई है। इसका प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर, 4GB रैम हो सकता है और इसकी स्क्रीन साइज जो है ना वो 4.6 इंच की है, फुल HD स्क्रीन। और ये दो वेरिएंट में आ सकता है, एक 64GB और एक 4GB रैम के साथ एक 128GB स्टोरेज। इसका कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल का सोनी IMX378 लेंस वाला रियल कैमरा होगा और फ्रंट कैमरा 4 मेगापिक्सल का होगा। साथ ही इसकी बैटरी 2600 mAh की है, स्क्रीन साइज के मुताबिक ठीक ही है। अब भारत में भी होगा Redmi 4 लॉन्च, भारत में Redmi 4 जल्द ही लॉन्च होगा। Redmi 4 भारत में जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च होगा। Redmi 3 तो न्यू नोट 3 तो बहुत
अच्छी निकली। अब रेडमी 4 की बारी है। वैसे रेडमी के 4 होते अच्छे हैं प्रोसेसर के मामले में। जियो ने दिया बेस्ट ऑफर। जी हाँ दोस्तों, जियो और एक ऑफर दे रहा है अपने 3500 रुपए के फोन के साथ। 2 साल तक इस फोन में सब कुछ फ्री होगा। तो आपको अगर चाहिए तो ले लीजिए।